आईईडी विशेषज्ञ के रूप में जानने वाला जैशे मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर शुक्रवार को कुलगाम जिले में पुलिस सेना और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दल के साथ तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि शीर्ष पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि आतंकवादी कमांडर तीन से चार मुठभेड़ों से पहले बच गया था। एक उदाहरण में एक एमओ चार अमेरिकी राइफल को पीछे छोड़ दिया गया। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि तीन आतंकवादी मारे गए थे, जबकि कुलगाम जिले के नागमढ़ चिम्मड़ क्षेत्र में सेना के कई जवान घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कुलगाम पुलिस द्वारा स्थानीय सेना 9RR और सीआरपीएफ इकाइयों के साथ एक विश्वसनीय इनपुट पर आज सुबह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए सेना के तीन जवानों को सेना के अस्पताल में पहुंचाया गया। मारे गए आतंकवादी जैशे मोहम्मद के हैं और कथित तौर पर एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर को एक आईईडी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वह हाल के दिनों में सुरक्षा बलों के खिलाफ कई आईईडी प्रयासों सहित बड़ी संख्या में हमलों के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि वह कथित तौर पर तीन चार मुठभेड़ों से बचने में सक्षम था, जिसमें एक एमओ चार अमेरिकी राइफल को पीछे छोड़ दिया था। एक मामला इससे पहले जब संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान को घेर लिया तो छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। संयुक्त दल द्वारा एक मुठभेड़ को शुरू करते हुए आग पर जवाबी हमला किया।